हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास सेवेंथ का मैथ्स करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर जो चल रहा था बच्चों, एरिया एंड पेरीमीटर, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब हम सर्कल के क्वेश्चंस कर रहे थे, वृत्त के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसका हमने परिमाप निकालना सीखा था और क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 का है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे बोला गया है, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किस चीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये एक वृत्ताकार शीट है, ठीक है। इसकी आपको परिधि गिवन है, ठीक है, परिधि आपको दी हुई है और आपको क्या बतानी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है और साथ में उसके बाद क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो पहले आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे या त्रिज्या, सवाल ये है। तो देखिए, क्षेत्रफल बताने के लिए आपके पास त्रिज्या होनी चाहिए, है ना। तो त्रिज्या बताने के लिए आपके पास परिधि है, तो परिधि की मदद से त्रिज्या निकाल लीजिए, है ना। तो त्रिज्या अगर होती है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, वो यूज करके आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, उसकी मदद से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक बार इसको सॉल्व कीजिए और जो भी आपका आंसर आता है स्टूडेंट्स, आप चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है कि वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर है। शीट की परिधि 154 मीटर। अब इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि भी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है ना। ये तो पता है हमें, वृत्त की परिधि पाए आर। तो देखिए, वृत्ताकार शीट की परिधि आपको 154 दी गई है और वृत्त की परिधि है 2πr, तो इसीलिए वन फिफ्टी फोर के बराबर होना चाहिए। तो अब हम इसकी वैल्यूज यहां पे लिखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2 एज इट इज है, तो 2 को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं, कितना आ जाएगा, 154 बटे 2। और देखिए, पाई को भी मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो इंटू पाई भी यहाँ नीचे ही आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आर के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड जाके डिवाइड करेंगे। अब पाई की वैल्यू लिखते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, ये जो गिवन है लिखा है हमने, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू लिखेंगे हम, आर इज इक्वल टू 154 154 बटे 2, और पाई कितना है, 22/7 होता है, है ना। पाई कितना है, 22/7। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, 7 को ऊपर ले जाएंगे, है ना, 154 इंटू 7/2 इंटू 22। तो ये हो जाएगा
कितना हो जाएगा 22 सत्य 154। ठीक है, अगर 22 का टेबल आता है बहुत अच्छी बात है ना, नहीं तो अब 22 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 दूनी 14 = 15। आर कितना आ जाएगा, 7 × 7 49, 49/2 मीटर आ जाएगा। तो इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। तो अब आपके पास त्रिज्या है, त्रिज्या आ गई है, कितनी है त्रिज्या, ये है 49/2। तो ये चीज आ गई है। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए और इसको आंसर निकालिए आप। अब वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वैल्यू लिखेंगे, पाई कितना है, देखिए यहाँ पे मैंने 22/7 बच्चों इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 22/7, है ना, तो जो वैल्यू आपको दी होगी आप वही लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, पाई है 22/7 और आर है 49/2 का वर्ग। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 × 49/2 × 49/2, वर्ग को हम खोल के इसी तरह लिखते हैं। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 2 7 से 49 को कैंसिल आउट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 2 से इसको करेंगे तो 11, और ये हो जाएगा 11 सते 77, 77 × 49/2। मल्टीप्लाई कर लीजिए 49 को 77 से, 7 × 63, 6 हासिल, 7 चौक 28 + 6 = 34 × 3 = 4 = 3, 3 × 4 = 7 और 4 × 3 = 7 × 3 = 3। तो ये आ जाएगा 3773/2। अब इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे तो 3773 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 2, 1 बच गया 7, यहाँ पे उतार लिया हमने, तो 2 6 12 2 7 14, 2 8 16, 8 पे जाएगा ये 16, 1 बच गया, और फिर हमने यहां से कितना उतार लिया, 7 उतार लिया, फिर से 2 8 16, 1 बच गया, और यहां पे 3 उतार लिया, फिर 2 6 12, 1 बच गया, 10 मिला लगा के यहां पे 0 लगा दिया, और 2 5 10। तो देखिए डिवीजन आपको डिवाइड करना आता है, ये मैं अच्छी तरह से यहाँ पे लिख भी चुका हूँ, इसी तरह डिवाइड करते हैं हमेशा आप। तो कितना आ जाएगा, 1886.5 मीटर, है ना, ये चीज है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यह है 1886.5, और जो त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या भी अगर आप पॉइंट में लिखना चाहें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 49/2, तो ये 24.5। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे भी एक सर्कल की बात हो रही है, क्वेश्चन पढ़ेंगे।
21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है, ठीक है। तो जो ये वृत्ताकार आपको दिख रहा है, इसको बगीचा हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके चारों ओर माली एक बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह पूरे 2 चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। तो देखिए, 2 चक्कर की यहाँ पे बाड़ बनने वाली है ना, 2 चक्कर की बाड़ बनने वाली है। तो 1 चक्कर की अगर बाड़ होती तो उसकी लंबाई कितनी होती, जो इसकी परिधि होगी, है ना, जो परिधि होगी वही होगी इसकी बाड़ की लंबाई, 1 चक्कर की लंबाई। लेकिन 2 चक्कर की लंबाई बोली गई है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही लंबाई होगी। तो आपको क्या बोला गया है कि भाई पहले तो आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 2 चक्कर लगाना चाहता है तो, और दूसरा उसकी क्या व्यय भी ज्ञात करना है, मतलब जो खर्चा बाड़ लगाने पे हुआ है। अगर 4 रुपए में 1 मीटर रस्ता आता है तो कितना उस पे खर्चा होगा। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, परिधि निकालनी है, ठीक है। सरकमफेरेंस निकालेंगे सर्कल का, यानी वो 1 चक्कर के बराबर हो गया। तो रस्सी की लंबाई निकालेंगे तो परिधि को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका एक आंसर आ जाएगा इसका। और उसके बाद वह निकाल देंगे, कीमत निकाल देंगे। तो पहले परिधि निकालेंगे, तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या गिवन है इसमें, व्यास गिवन है ना। तो हम व्यास लिख लेते हैं, कितना गिवन है हमें, तो किस चीज का व्यास है, वृत्ताकार बगीचे का। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार बगीचे का। तो सबसे पहले व्यास यहाँ पे दिया हुआ है, व्यास को हम डायामीटर भी बोलते हैं, जिसको डी से डिनोट कर सकते हैं, और ये है 21 मीटर, 21 मीटर है। मतलब क्या हुआ कि जो जब हम व्यास की बात करते हैं जब, तो ये इसके सेंटर से पास होता है ना, और ये एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। अगर व्यास है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं इजीली, है ना भाई। वृत्त की त्रिज्या निकालना काफी इजी है, अगर व्यास पता है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, है ना। ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें भाई रस्से की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, वृत्ताकार बगीचे का की परिधि निकालेंगे, है ना, इसकी परिधि निकालेंगे। परिधि कैसे निकालेंगे, परिधि का सूत्र होता है 2π r, 2π r होता है। तो इसको हम कर देंगे 2 × π, कितना है यहाँ पे, 22/7 बोला है लेने को, तो 22/7 यहाँ पे रखेंगे हम, 21/2 जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 × 21, और ये 22 × 3 कितना होता है, 66, तो ये आ गया 66 मीटर। तो देखिए वृत्ताकार बगीचे की परिधि 66 मीटर आ गई है, मतलब 1 चक्कर अगर हम लगाएंगे इसका तो 66 मीटर का वो चक्कर होगा, या फिर रस्सी की लंबाई 66 मीटर हो जाएगी। लेकिन हमें तो 2 चक्कर की निकालनी है, तो हम इस 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, है ना इजी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, 2 चक्कर निकालने हैं, है ना, 2 चक्कर में जो बाड़ है उसकी लंबाई, या फिर 2 चक्कर में रस्सी की लंबाई हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी, 66 × 2, और ये हो जाएगी 132 मीटर। कितनी आ जाएगी, 132 मीटर 2 चक्कर में लंबाई आ जाएगी। हमें तो व्यय निकालना है, तो अब बताइए कि रस्से का व्यय कितना होगा, है ना,
एक मीटर रस्से पर वह, ये हो जाएगा 4 रुपए। मतलब ये हुआ कि जो 1 मीटर रस्सा है उस पर 4 रुपए खर्चा आता है। तो दो चक्कर जो हमने रस्सा लगाया वो कितने मीटर का है, 132 मीटर। यानी 132 मीटर का हमें व्यय निकालना है ना। 132 मीटर रस्से पर कितना व्यय होगा ये आपको बताना है। तो 132 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, किसी को कंफ्यूजन हो तो लिख के कर सकते हैं। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 1 + 4 = 5, तो ये आ गया 528, 528 रुपए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और बच्चों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है, इसलिए इसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम एक 4 सेंटीमीटर वाली वृत्ताकार शीट बनाए तो कुछ इस तरह से बन जाती है। और इसमें से आपको क्या करना है कि भाई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त आपको निकाल देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बच जाएगी आपके पास ये शीट, है ना। तो देखिए ये जो मैं पार्ट कलर कर रहा हूं ये हिस्सा बच जाएगा, है ना, ये हिस्सा बच जाएगा हमारे पास। बाकी क्या होगा, बाकी जो बीच वाला पोर्शन है वो हम निकाल दे रहे हैं। अब इनका अगर डायमेंशन लिखेंगे आप तो आपको चीजें ज्यादा क्लियरली पता लगेंगी। तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हमने इसमें से निकाल दिया, जबकि इसकी अगर आप पूरे की लंबाई देखें तो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है त्रिज्या बड़े वृत्त की। आपको क्या करना है, जो सीट का शेष भाग है वो आपको निकालना है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हिंट मैं आपको देता हूँ। वैसे तो आपका ये होमवर्क है पर मैं हिंट दे देता हूँ आपको ताकि आपको ये सॉल्व करने में आसानी रहे। तो आपको क्या करना है, जो बचा हुआ या फिर जो मैंने कलर किया हुआ है वो वाला हिस्सा निकालना है। तो उसके लिए आपको करना है कि भाई जो बड़ा व्रत है, ठीक है, जो बड़ा व्रत है, बड़ा व्रत है, तो बड़ा व्रत है उसका क्या करना है आपको, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बड़े व्रत का क्षेत्रफल तो देखिए बड़े व्रत का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया तो पूरा क्षेत्रफल आ गया। ये जो बीच में आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है 3 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, इसका भी क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। लेकिन हमें तो जो शेडेड है उसका क्षेत्रफल निकालना है या फिर जो शेष भाग बचा है उसका। तो इसीलिए हम बड़े व्रत के क्षेत्रफल में से छोटे व्रत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, छोटे व्रत का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो सीट का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 3.14 आप पाई की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे 22/7 नहीं लेनी है। तो ये आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से आपको उनको रिवाइज करके लाना है घर पे, और जो होमवर्क दिया गया है उसको जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।